श्रीमद् भगवत गीता। मेरे भाई बहनों, आप में से गीता जी किन किन लोगों के घर पे है, जरा हाथ खड़ा करके दर्शन देंगे क्या? जिनके घर में गीता जी का ग्रंथ शास्त्र रखा है, हाथ खड़ा कीजिए, नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो नित्य ही गीता माता का अध्ययन करते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए, जो रोज ही गीता माता जी का अध्ययन करते हैं नीचे कीजिए, चार हाथ खड़े रहे। अब याद रखिएगा, गीता जी का स्वाध्याय हमारे जीवन के पूरे अध्याय को बदल सकता है, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं है। घर पर है तो सही, लेकिन ऊपर आधा आधा इंच मिट्टी जमे होते हैं, किसी ताक में पड़े रहते हैं गीता माता जी। जब दिवाली आई, साफ किया झटक झटका करके और फिर वापस रख दिया, मैया अगली दिवाली पर फिर मिलेंगे, तो ऐसे होना नहीं होना बराबर है। गीता जी होने तो चाहिए, लेकिन गीता जी का एक श्लोक हर व्यक्ति को नित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बहनों, इस संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें सबसे प्रमुख अगर शास्त्र कोई है तो वो गीता माता है। माँ का स्थान मिला है गीता माता, क्यों मिला है? क्योंकि अगर इसको कोई मेरे भाई बहनों मुस्लिम पढ़े तो उसको लगे कि इसमें कुरान की कोई आयत है। अगर कोई ईसा मसीह का अनुकरण करने वाला ईसाई लोग हैं तो उसको लगता है कि इसमें बाइबल की बातें लिखी है। मेरे भाई बहनों, इसको कोई सिख पढ़े तो उसको लगे कि गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन कर रहे हैं। हर धर्म के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसमें तो वही बातें हैं जो मेरे धर्म में कही है। तो सारे धर्मों के सार को बताया है गीता जी, और बाकी सारे ग्रंथ किसी न किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखे हैं, लेकिन गीता जी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा मेरे भाई बहनों प्रकट हुई है, इसलिए सबसे महान ग्रंथ है गीता जी। इस संसार में सबसे अधिक टीकाएं किसी पर हुई तो वो गीता जी है, सबसे अधिक भाषाओं में कोई ग्रंथ छपा तो वो गीता जी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मेरे भाई बहनों अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए, वहां जाकर के जो पुस्तकालय की व्यवस्था संभालने वाला था व्यक्ति, उसको कहा कि आपके पुस्तकालय में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाली जो किताब है मुझे वो दीजिए। वो पुस्तकालय का व्यवस्थापक स्वामी विवेकानंद जी को मेरे भाई ने ले गया, उस किताब की तरफ इशारा किया कि ये हमारे पुस्तकालय में सबसे अधिक पढ़ी जाती है, और वो पुस्तक मेरे भाई बहनों कोई और पुस्तक नहीं, वो साक्षात ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता थे, जहां अमेरिका में भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। ऐसा महान ग्रंथ है गीता जी, क्योंकि संपूर्ण धर्म में बंधी है गीता जी। आप जो नित्य पढ़ते हैं गीता जी का अध्ययन करते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़ते हैं, जो अध्ययन नहीं करते हैं, आज ही जाकर आप देखिएगा, गीता जी का प्रथम श्लोक ध से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ध से प्रथम श्लोक प्रारंभ हुआ और गीता जी का जो अंतिम श्लोक है वो र के साथ म पर खत्म होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजो भूति ध्रुवा निति मतिर ममः। ध से श्लोक शुरू हुआ, र के साथ म पर खत्म हुआ, बोलो दोनों शब्द मिलकर क्या हो गए? धर्म। तो संपूर्ण गीता जी धर्म में बंधे हैं, इसलिए गीता जी का एक श्लोक नित्य पढ़ना चाहिए। मेरे भाई बहनों, गीता जी पूजनीय है, महान है, और है क्यों नहीं? क्योंकि गीता जी को कहने वाले भी गो भक्त, सुनने वाले भी गो भक्त, और जब कहने सुनने वाले दोनों गो भक्त हैं तो गीता माता पूजनीय तो होंगे ही। बात करें कहने वालों की गो भक्ति की, तो वो तो सारा जगत जानता है कि कहने वाले कृष्ण कन्हैया कितने बड़े गो भक्त थे, लेकिन मेरे भाई बहनों सुनने वाले अर्जुन जी भी कोई कम बड़े गो भक्त नहीं थे, वो भी गाय माता के बहुत बड़े पुजारी थे। आप लोगों ने महाभारत जी में एक प्रसंग अवश्य सुना होगा कि पांचों पांडवों को और द्रौपदी जी को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास की शर्त थी कि अगर अज्ञातवास के दौरान किसी ने पांडवों को अथवा द्रौपदी जी को पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष का वनवास पुनः प्रारंभ हो जाएगा। 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडव, द्रौपदी जी सहित मेरे भाई बहनों विराट नगर में राजा विराट के यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा बना करके रह रहे थे। इधर कौरवों को ये संदेह हुआ कि हो न हो पक्का है कि पांडव विराट नगर में छिपे हुए हैं, लेकिन वो सहजता से तो सामने आएंगे नहीं, इनको पहचाने कैसे?
तो अब दुर्योधन तो वैसे ही कुटिल बुद्धि का था ही, उसको पता था कि अर्जुन जी बहुत बड़े गो भक्त हैं, अगर गाय माता पे कोई आंच आई तो अर्जुन चिंता नहीं करेगा अपने वनवास की, वो तो गो रक्षा के लिए निश्चित है कि सामने आ ही जाएगा। तब दुर्योधन ने एक योजना बनाई, पांचों पांडवों को मेरे भाई बहनों सामने लाने के लिए, प्रकट करने के लिए उन्होंने राजा विराट की सारी गौ माताओं को चुरा लिया। जैसे ही इस बात का पता चला अर्जुन जी को, उस समय वो विराट नगर में बृहन नला के रूप में रह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की अपने वनवास की और गौ माता की रक्षा के लिए राजा विराट के पुत्र के साथ मेरे भाई बहनों चल पड़े और कौरवों से युद्ध करके, लड़ाई करके राजा विराट की सारी गौ माताओं को छुड़ा कर वापस। और विचार किया मेरे भाई बहनों कि वनवास भले ही हो जाए तो हो जाए, लेकिन गौ माता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बोलो, सुनने वाले भी इतने बड़े गौ भक्त हैं तो गीता माता पूजनीय होंगे क्यों नहीं। इसलिए गीता जी का एक श्लोक हमें नित्य पढ़ना चाहिए, और सिर्फ पढ़ करके रखना नहीं है, वो श्लोक क्या कह रहा है उसको हमारे जीवन में भी उतारना है। तो पांचवें माता है मेरे भाई बहनों गीता।